अगली खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंचकर भारत रत्न विजेता लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सुर सम्राट जी लता मंगेशकर जी को 93वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, लता ने कला संगीत को जीवन समर्पित किया, रामकृष्ण के गीतों को नई ऊंचाई दी। सीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा, लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति को समर्पित किया। इसने भगवान राम की नगरी अयोध्या में लता जी को समर्पित भव्य लता चौक का निर्माण कराया गया। हमारा यह प्रयास रहेगा कि अयोध्या के हर चौराहे को इसी तरह खूबसूरत बनाया जाए। अयोध्या को संवारते हुए हम सब देख रहे हैं कि उन्होंने कहा, आज हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में पूरी गति के साथ चल रहा है। सीएम ने यह भी कहा, अयोध्या का नाम दुनिया की सुंदर नगरियों में होगा। योगी आदित्यनाथ ने लता दीदी की स्मृति में लता चौक के लोकार्पण के साथ हम अयोध्या के विकास के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा, लता जी को समर्पित इस चौक पर वीणा लगाया गया है जो माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी बताया, 7 सुरों के साथ स्तंभों से इस चौराहे को सृजित किया गया, साथ ही बान नए कमल के फूलों का इस्तेमाल भी किया गया है। सीएम ने अपने 1 घंटे के संबोधन में यह भी कहा कि इस चौराहे पर लता दीदी के गाए हुए राम भजन हमेशा अयोध्या को शोभित करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आने वाले दिनों में अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियां गतिशील होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम चाहते हैं इस चौक के साथ अयोध्या के हर घर, हर मंदिर, हर गली चौराहों को लाखों दीपों से सुसज्जित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के आखिरी क्षण में यह कहा, डबल इंजन की सरकार देश की आस्था का सम्मान करते हुए विकास को अग्रसर है। के अंदर नवंबर में अपने सीएम साहब ने, योगी जी ने एक कंपटीशन रखा था जिसमें कई कलाकारों ने अपनी मूर्तियां लाई थी मॉडल के स्वरूप में और पूरी स्कीम बना सब देखने के बाद में साहब ने कहा था कि हमारी मूर्ति सबसे योग्य है और क्योंकि हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया हुआ है तो हमारा जो योगदान रहा है उसके अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है और हमारी जो योग्यता है उस आधार पर प्रभु राम की मूर्ति हमें बनाने का हमारा मॉडल सेलेक्ट किया गया था। अभी फ़िलहाल उस पर कुछ काम नहीं चल रहा है। हमने हालांकि और 2 मॉडल और बनाए हैं ताकि आगे प्रक्रिया यदि जो शुरू होगी तो हमें आसानी होगी और बड़ी करने के लिए। बाकी अभी ज़मीन अधिग्रहण हो रही है मेरे ख्याल से और जैसी हो जाएगी और राम मंदिर का भी काम जैसे और अच्छा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से सीएम साहब जब भी बताएंगे, आदेश देंगे, तब हम शुरू कर पाएंगे। अभी सर कितना आइडिया, कितनी फीट की होगी? वो 251 मीटर की होगी, उसी समय उन्होंने अनाउंस कर दिया था, जिसमें 51 मीटर की बिल्डिंग होगी, स्वरूप होगा वो, और उसके अंदर म्यूज़ियम होगा और छोटा एक मंदिर भी होगा और ताकि लोग जो श्रद्धालु हैं वहाँ के पूजा भी कर सकें, पूरा म्यूज़ियम देख सकें, तो
प्रभु राम के ऊपर पूरे विजुअल्स होंगे, पेंटिंग्स होंगी और कॉन्फ्रेंस सेंटर होंगे, बहुत सारे ऑडिटोरियम्स होंगे और उसके ऊपर 200 मीटर की कांसे की बनी हुई मूर्ति लगेगी। लता मंगेशकर जी नाम से जो चौक का नाम रखा गया है, अपने मोदी जी ने इसका शायद शुरुआत की थी कि रखा जाएगा लता मंगेशकर जी नाम से, और योगी साहब ने उसी हिसाब से इस चौक का निर्माण करवाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वीणा है, 40 फुट लंबी वीणा है, इसकी चौड़ाई 10 फुट है और ये करीब 14 टन वज़न है इसका, जिसमें ब्रॉन्ज और स्टील दोनों मिलाकर वज़न है, और पूरा चौराहा है, बहुत अच्छी तरह से पत्थर का पूरा बना के सजावट की गई है, और मेरे ख्याल से लोगों के लिए बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा ये, क्योंकि जो आने जाने वाले लोग हैं ये सब भजन सुनते रहेंगे जो लता मंगेशकर ने गाए थे। मेरे ख्याल से यहाँ बैठने की अरेंजमेंट भी की गई है, तो लोग आराम से बैठ के ये पूरा साउंड सिस्टम को भी एंजॉय करेंगे, और रात के समय में इस वीणा पर जो लाइटिंग होगी और जो इसमें जो कमल के फूल बने हुए हैं, 92 कमल के फूल बनाए गए हैं जो उनके एज को दर्शाता है कि 92 साल में उनकी मृत्यु हुआ था, तो मेरे ख्याल से पूरी एक डेकोरेट करके बहुत बहुत अच्छा एक फोकस बन गया है अयोध्या का। अयोध्या के अंदर एंटर करते ही यदि आपको ऐसा वातावरण मिले तो मेरे ख्याल से पर्यटक बहुत खुश होंगे और आनंद लेंगे।